बसमिल्ल रन रही नाउ वी हैव फेयर आइडिया ऑफ डिपॉजिट क्रिएशन बट ओनली इन केस ऑफ वन बैंक एंड इन दैट केस डिपॉजिट क्रिएशन इज नॉट मल्टीपल यानी कि मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन नहीं हुई लेकिन एक आइडिया हो गया कि डिपॉजिट एक्सेस रिजर्व से कैसे क्रिएट होता है लेकिन वो उतना ही हुआ जितने एक्सेस रिजर्व थे उससे ज्यादा नहीं हो सका यानी yani कि मल्टीप्लाई नहीं हो सकता सिंगल बैंक के केस तो हम अपनी एग्जाम्पल को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और हम कहते हैं अब एक पूरा बैंकिंग सिस्टम मौजूद है जब हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब है बैंक एक नहीं है सेंट्रल बैंक के अलावा की बात कर रहा हूं कि जो कमर्शियल बैंक हमने एक कंसीडर किया था बैंक ए अब हम वो कह रहे हैं बैंक ए नहीं है सिर्फ बैंक ए तो है ही है साथ में बैंक बी सी डी ई एफ बहुत सारे और बैंक भी तो फिर क्या मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन पॉसिबल होगी तो इस केस में क्या होगा इस केस में यह है कि हम चूंकि उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि जब बैंक ए के लिए चेक लिखा गया तो वहां पे ट्रांजैक्शन खत्म हो गई अब हम उसको एक्सटेंड करते हैं और यह कहते हैं नहीं कि वो जो चेक लिखा गया वो जिसको देना था उसका अकाउंट बैंक बी में है तो इसका मतलब है बैंक बी भी एग्जाम्पल में शामिल हो जाएगा यह कोई और कमर्शियल बैंक है जिसमें उस कस्टमर का अकाउंट है जिससे इस पहले वाले कस्टमर ने कोई प्लांट मशीनरी परचेज की है तो इसका मतलब यह है कि वो कस्टमर या वो सेलर जिसने प्लांट या गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ भी सेल किया है वो अपने चेक को अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा और वो बैंक प्रेजेंट करेगा इस बैंक के सामने थ्रू क्लियरिंग हाउस के ये अमाउंट आपने हमें देनी है उसको हम कह रहे हैं बैंक बी है ठीक हो गया तो इसका मतलब यह है कि बैंक बी के पास जो है ये डिपॉजिट शिफ्ट हो गया है जो वन बिलियन का जो बैंक ए ने वन बिलियन एक्सेस रिजर्व की बेस पे क्रिएट किया था अब चूंकि बैंक के ऊपर कमर्शियल बैंक की तरफ से क्या होता है एक रिक्वायर्ड रिजर्व होते हैं और उसकी एक रेशो होती है जो डिपॉजिट्स के ऊपर होती है अब चूंकि बैंक बी के जो डिपॉजिट्स हैं वो कितने हो गए हैं वो हो गए हैं वन बिलियन रुपीज के के क्योंकि वो चेक अंदर ट्रांसफर हो गया तो अब इसके ऊपर फोरी सेंट्रल बैंक की तरफ से रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो अप्लाई हो जाएगी उसके लिए हमने बैंक बी मतलब के एसेट में इजाफा हुआ और क्यों उसके रिजर्व में और रिजर्व में क्यों हुआ इसलिए बैंक के से डेबिट एंट्री डली सेंट्रल बैंक के पास जो अकाउंट है बैंक ए का बैंक बी का चूंकि बैंक बी में चेक जमा हुआ तो बैंक बी के अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होगी और बैंक ए के अकाउंट में जो है वो डेबिट एंट्री होगी तो और वो रिजर्व्स की ट्रांसफर होगी एक बैंक से दूसरे बैंक में इसीलिए बैंक बी के रिजर्व्स जो है वो वन बिलियन से इंक्रीज कर गए हैं लेकिन एट द सेम टाइम उसका एक चेकेबल डिपॉजिट का भी वन बिलियन का इंक्रीज हुआ है जो कि उसके लिए लाइबिलिटी अब चूंकि वन बिलियन रुपीज का डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड रिजर्व बनेंगे वो बनेंगे अगर रिक्वायर्ड रिजर्व हो बिलियन जो है वो इसके ऊपर रिक्वायर्ड होंगे जो सेंट्रल बैंक के पास चले जाएंगे और जो रिमेनिंग पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज हैं पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज वो एक्सेस रिजर्व बन जाएंगे बैंक बी के अब चूंकि हमारे मॉडल की एजमशन है कि कोई भी बैंक एक्सेस रिजर्व नहीं होल्ड करना चाहता तो वो पॉइंट नाइन बिलियन का जो अमाउंट एक्सेस रिजर्व में आ गई है वो फिर एक कस्टमर को देगा बैंक बी और वो कैसे देगा वो ऐसे देगा कि अपने बैंक में उसका एक अकाउंट ओपन करेगा जिसको लोन दे रहा है और उसके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री डालेगा बिलियन रुपीज की हम अस्यूम कर रहे हैं कि पूरे का पूरा पॉइंट नाइन बिलियन लोन में चला गया ठीक हो गया तो इसका मतलब के अंदर देखें, रुपीज और पॉइंट नाइन बिलियन उसने लोन दे दिया और जो चेकेबल डिपॉजिट है वो वन बिलियन रुपीज से ओवरऑल इंक्रीज हो गया टोटल अब हम ये देखते हैं स्टेप थ्री में क्या हुआ कि वो जो पॉइंट नाइन बिलियन का लोन बैंक बी ने एक्सटेंड कर दिया एक कस्टमर को तो उस कस्टमर ने वो जो चेक लिया वो चेक से जो पेमेंट करनी थी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट और वो जिससे उसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की है उस कस्टमर का अकाउंट बैंक सी में है वो बैंक सी में जाके अपना चेक प्रेजेंट कर देता है और बैंक सी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है पॉइंट नाइन बिलियन अब किस फॉर्म में होगी बैंक बी का जो सेंट्रल बैंक के पास अकाउंट है उसमें से पॉइंट नाइन बिलियन निकल जाएंगे और बैंक सी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे तो इसका मतलब है पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज के रिजर्व बढ़ गए बैंक सी के लेकिन एट द सेम टाइम उसकी लाइबिलिटीज भी बढ़ गई क्योंकि उसने पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज का लोन दिया है इसका मतलब यह है कि अभी जो अभी तक जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सिस्टम के वो वन पॉइंट नाइन बिलियन रुपीज के हो गए जिसमें से वन बिलियन बैंक बी का और पॉइंट नाइन बिलियन बैंक सी का है बैंक ए का डिपॉजिट तो खत्म हो गया था क्योंकि उसने चेक के थ्रू पेमेंट हो गई थी उसकी अब बैंक सी क्या करेगा उसके पास पॉइंट नाइन बिलियन के एक्स्ट्रा रिजर्व आ गए अब उसमें से एक्सेस रिजर्व कितने हैं अगर ये हमें देखना है तो उसमें से जो रिक्वायर्ड रिजर्व हैं अगर वो लोन देता है और डिपॉजिट क्रिएट करता है तो उसके रिक्वायर्ड रिजर्व टेन परसेंट के हिसाब से चले जाएंगे पॉइंट बिलियन और पॉइंट एट वन बिलियन प्योर एक्सेस रिजर्व रह जाएंगे जिसको बैंक सी भी लेंड कर देगा किसी कस्टमर जब वो उसको करेगा तो बैंक सी की बैलेंस शीट में क्या होगा कि जो रिजर्व है वो पॉइंट जीरो नाइन बिलियन से बढ़ गए रिक्वायर्ड रिजर्व की वजह से और जो एक्सेस रिजर्व थे पॉइंट एट वन बिलियन रुपीज के वो बैंक सी ने लोन दे दिया जब लोन दे दिया तो चेकेबल डिपॉजिट्स जो थे बैंक सी के वो पॉइंट नाइन बिलियन से बड़े इसी में से पॉइंट जीरो नाइन जो है वो रिक्वायर्ड रिजर्व में गए और पॉइंट एट वन जो है वो प्योर लोन अब इसका मतलब ये है कि अगर हम बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट्स को देखें तो अब तक टू पॉइंट सेवन वन बिलियन रुपीज जो है वो बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट हो चुका है वन बिलियन बैंक बी में पॉइंट नाइन बिलियन बैंक सी में

बिलियन रुपीज का जो रिजर्व क्रिएट किया गया था उसके लिए थैंक यू